कि गणेश गीता क्या है और भगवान श्री गणेश ने ये गीता के व्याख्यान कब दिए थे, किसको दिए थे। देखिए, गणेश गीता का जहाँ तक सवाल है तो गणेश पुराण के क्रीड़ा खंड के अध्याय 138 से लेकर 148 को श्री गणेश गीता कहा जाता है और श्री गणेश गीता के 11 अध्यायों में 414 श्लोक हैं। भगवान गजानन ने सिंदूरासुर से युद्ध के बाद राजूर की पवित्र भूमि में श्री गणेश गीता का उपदेश राजा वरेण्य को दिए थे। श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का पाठ पढ़ाया था। दोनों में एक फर्क था। महाभारत में जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उनका कर्तव्य याद दिलाते हैं, वहीं गणेश जी गणेश गीता में उपदेश युद्ध के बाद राजा वरेण्य को दिए थे। तो गणेश जी गीता में मुख्य उपदेश क्या दिए थे? गणेश गीता के पहले अध्याय सांख्य सारार्थ में गणपति ने राजा वरेण्य को योग का उपदेश दिया और शांति का मार्ग बतलाया। इसके दूसरे अध्याय में गणेश जी ने राजा को कर्म के मर्म का उपदेश दिया और इस अध्याय का नाम कर्म योग था। तीसरे अध्याय में गणेश जी ने राजा वरेण्य को अपने अवतार धारण करने का रहस्य बताया। गणेश गीता में योग्याभ्यास तथा प्राणायाम से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण बातें बतलाई गई हैं और छठे अध्याय में बुद्धि योग में भगवान गणपति राजा वरेण्य को समझाते हैं कि अपने सत्कर्म से के प्रभाव से मनुष्य में ईश्वर को जानने की इच्छा जागृत होती है। जिसका जैसा भाव होता है उसके अनुरूप ही उसकी इच्छा पूर्ण कर होती है। अंत काल में भगवान को पाने की इच्छा करने वाले भगवान में ही लीन हो जाते हैं और मेरे तत्व को समझने वाले भक्तों का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। गणेश गीता में भक्ति योग का वर्णन भी है। इसमें भगवान गणेश ने राजा वरेण्य को अपने विराट रूप का भी दर्शन करवाया था। नौवे अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान था। सत्व रज तम तीनों गुणों का परिचय दिया गया है और दसवें अध्याय में देवी असुरी राक्षसी तीनों प्रकार की प्रकृतियों की लक्षण बतलाए गए हैं और इस अध्याय में गजानन कहते हैं कि काम क्रोध लोभ और दम ये चार नरकों के महाद्वार हैं, अतः इन्हें त्याग देना चाहिए तथा देवी प्रकृति को अपनाकर मोक्ष पाने का यत्न करना चाहिए। और अंतिम 11वें अध्याय में कायिक वाचिक और मानसिक भेद से तप के तीन प्रकार बताए गए हैं। अभी जो राजा वरेण्य थे, पूर्व जन्म में राजा वरेण्य उनकी पत्नी पुष्पिका की 12 वर्ष की कठोर आराधना से प्रसन्न होकर भगवान श्री गणेश ने उन्हें वर दिया था कि अगले जन्म में मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा, पर भगवान श्री गणेश प्राकट्य के समय रानी पुष्पिका भी एक बालक को जन्म देकर मूर्छित हो गई थी। शिवगण नंदी ने बालक गजानन को ले जाकर मूर्छित रानी पुष्पिका के पास सुला दिए थे, पर वो जो दंपति थे वो थोड़े से डर गए थे और उन्हें जंगल में छोड़ आए थे। अब भगवान गजानन की कृपा से महर्षि पराशर ने बालक को पहचान लिया और उसे अपने आश्रम पर ले गए और पुत्र रूप में पालन करने लगे। 9वें वर्ष में बालक गजानन ने सिंदूरवाड़ा में जाकर सिंदूरासुर का वध किया। श्री गणेश की कृपा से राजा वरेण्य पर से माया का पर्दा हटते ही उन्हें बालक गजानन को पहचान लिया और राजा के मन में केवल एक ही पश्चाताप था कि मैं कैसा अभागा हूँ, माया से विमुक्त होकर मैंने कितना बड़ा अनर्थ कर डाला। स्वयं भगवान गणेश जी ने मेरे घर में जन्म लिया और उस पर भी मैंने उन्हें कुरूप पुत्र मानकर उनका सरोवर पर त्याग कर दिया। यह अच्छा हुआ कि बालक पराशर मुनि को मिला और उन्होंने उसका पालन पोषण किया। इसी 9 वर्ष के बालक गजानन ने सिंदूरासुर का वध करके पृथ्वी के भार को कम कर दिया। अब मैं इन्हीं गजानन से उनके चरणों में आश्रय देने की विनती करूँगा। तो राजा वरेण्य ने गजानन से प्रार्थना की कि हे सब शास्त्रों और विद्याओं के ज्ञाता महाबहु विघ्नेश्वर, आप मेरा अज्ञान दूर करके मुझे मुक्ति के मार्ग पर उपदेश दीजिए।
तब भगवान गजानन ने राजा वरेण्य को योगामृत से भरी श्री गणेश गीता का उपदेश दिया। श्री गणेश गीता को सुनने के बाद राजा वरेण्य विरक्त हो गए और पुत्र को राज्य सौंप कर वन में चले गए और वहां योग का आश्रय लेकर वो मोक्ष को प्राप्त किए। यथा जलम जले चिप्तम जलमेव ही जायते तथा तरणातः सोपी तन्यत्व मुपाययो। जिस प्रकार जल जल में मिलने पर ही जल हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्मरूपी गणेश का चिंतन करते हुए राजा वरेण्य भी उस ब्रह्म रूप में समा गए। भगवान गजानन ने 11 अध्यायों में 11 योग की बात की है। तो ये मैंने आपको गणेश गीता के बारे में बताया और मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि गणेश गीता क्या है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।